बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए साल 2023 में खुश आमदीद। ये मेरा साल का पहला सलाम है, बिकॉज़ कुछ चीज़ों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। स्टार्ट करते हैं भलवाल की टूर के साथ। इससे पहले मैंने भलवाल के दो व्लॉग्स बनाए, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बिल्कुल भी नहीं हुए। आप भी सोचते होंगे कि भलवाल में ऐसा क्या ख़ास है कि मैं अगेन एंड अगेन इस पर वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है मेरे अलावा। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से, तो चलिए चलते हैं। भलवाल की तारीख तो खैर बहुत ही पुरानी है और उस पर हम ऑलरेडी यहाँ पे ही खड़े होकर बात कर चुके हैं। एक है पुराना भलवाल और एक है नया भलवाल, और नए भलवाल में भी अब ऐसा खास कुछ नया रहा नहीं है। भलवाल में अपनी शुगर मिल, टेक्सटाइल मिल, फ्लोर मिल, दूध की फैक्ट्री और छोटी छोटी किन्नू की फैक्ट्रियाँ भी हैं। किन्नू से याद आया कि किन्नू के पैदावार की वजह से भलवाल को कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का सबसे बेहतरीन किन्नू पाया जाता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये भलवाल की एक बहुत बड़ी खासियत है और पूरा ज़िला सरगोधा इस वजह से जाना जाता है। ये सरजमीन है एक बहुत ही बाअमल और बाकमाल सूफ़ी हज़रत सखी शाह सुलेमान नूरी हजूरी की। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही करामात और मोजज़ात के मालिक हैं। आपकी शख्सियत पर किसी दिन तवीली गुफ्तगू करेंगे। एक है हमारा मेन बाज़ार भलवाल और दूसरा है हमारा मिनी बाज़ार, जिसको हम कलोनी अड्डे वाला बाज़ार भी कहते हैं। यहाँ से भी तकरीबन ज़रूरत की तमाम अशिया मिल जाती हैं। मेन बाज़ार में ही सराफा बाज़ार है, जो कि एक अमीर तरीन बाज़ार है। इसमें सोने के ज़ेवरात, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स भी हैं। ये है थाना चौक, इसकी एक जानिब है लंदन मार्केट, जो कि इम्पोर्टिंग गारमेंट्स का वाहिद मरकज़ है, और दूसरी जानिब है थाना भलवाल, और इसी रोड पे आगे है सिविल अस्पताल भलवाल। लियाकत शहीद रोड एक अहम तजारती मरकज़ है, जहां पर बहुत सारी ब्रांक्स की शॉप्स और मुतद्दद बैंक्स की ब्रांचेज मौजूद हैं। बात भलवाल की निकल चली है तो भलवाल के एयरपोर्ट को मैं कैसे भूल सकता हूँ। पीछे है भलवाल का पब्लिक पार्क, ये हमारा एयरपोर्ट भी है। यहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो PIA के जहाज़ वो आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लोग खेलने के लिए भी आते हैं, एंजॉय करने के लिए भी आते हैं और खाने के लिए भी आते हैं। इसी रोड पर आगे मॉल ऑफ भलवाल है, वो हमारी सुपर मार्केट मॉल ऑफ भलवाल। और भलवाल की और नाइट लाइफ यहाँ पर कुछ खास है नहीं, वही टिपिकल टिक्के कबाब वगैरह खा के दिल बहलाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।